प्रांशु, सोच से परे कल का घटनाक्रम, कल का यह हादसा, आपके पीछे हम काफी लोग देख सकते हैं, हाथरस अस्पताल के बाहर इस समय आप मौजूद हैं, कई लोग अस्पताल में इस समय भर्ती हैं, जिनमें कई लोगों के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अस्पताल से क्या अपडेट सामने आ रहे हैं, परिवार के लोग भी आपके सामने पीछे हम देख सकते हैं मौजूद हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय हम जिला अस्पताल हाथरस में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम परिवार के लोग पहुँच रहे हैं, कुछ लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग को ये जानकारी मिल रही है कि उनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर माहौल जो है वो काफ़ी गमगीन है। और हमारे साथ एक परिवार है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिवार है, आप लोग कहाँ से आए हैं? जिला उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं, तो कौन आया था यहाँ? हमारी छोटे भाई की बहू आई थी। तो कितने लोग आए थे गांव से? गांव से 3 लोग आए थे, एक इनके पिताजी आए थे और एक 5 साल का लड़का है और ये आए। तो कौन खत्म हो गया जो जानकारी मिली आपको? हमारा छोटे भाई की बहू। अच्छा, और जो बच्चा था? बच्चा इन्हीं का है। वो भी खत्म हो गया? वो पता नहीं, अभी मिला ही नहीं। वो मिला नहीं है? ना, अभी नहीं। तो आप लोग को जानकारी कब लगी? हमको शाम को 5 बजे जानकारी लगा। हाँ। तब वहाँ से 4 पहिया गाड़ी किया, तब आए। अच्छा, तो उन्नाव से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, उन्नाव से आ रहे हैं। और यहाँ कब आए आप लोग? हम अभी सुबह आए, 6 बजे। वो बाबा हैं? हाँ, उनके पिताजी हैं, रूबी के पिताजी हैं। रूबी के पिताजी? हाँ, जो डेट कर गयी। ये हमारी पत्नी है, इन्हीं की छोटी देवरानी है। क्या हुआ माता जी, क्या जानकारी लगी आप लोगों को? जानकारी ही है, रहे पता लग रहा कि आई रहा सत्संग गमानी, तो वह जानकारी मिली कि हमारा दौड़ हारी धोप मानी, तो वह हुआ बहुत मनई लूल हो गए, गायब हो गए हैं, तो हियाँ सब ढूंढा जात रहा, तो हियाँ नहीं मिली। एक दिन हमारे पाप पिता रहे हैं, यहीं बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, वही यहाँ रहे, तो ये फोन किए हैं, तब हम पंचे जाना है, तब वहाँ से हम पंचे आए है। घर परिवार से सिर्फ 2 लोग आए थे? नहीं, ये हैं, हम हैं, हमारा भाई है, हमारा लड़का है। सत्संग में ये लोग 3 आए? घर मतलब 3 जने आ रहे हैं। कैसे जानकारी हुई कि लापता हो गए? जब ये फोन किया तब पता चला हमको, जब ये ढूंढ रहे थे यहाँ, तब फोन किया, तब फिर हम लोग वहाँ से आए, फिर तैयारी। तो अभी क्या आप लोग क्या जानकारी मिली है? जानकारी बस ये है, अब डेड बॉडी मिली है और पोस्टमार्टम के लिए गई है। अच्छा, अब कैसे घर भेजते हैं, देखो क्या करते हैं। ठीक है मांशु, ये वो दुख की घड़ी है जो समझी जा सकती है, जिसमें घर परिवार के लोग जो हैं वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, अपनों को अपनों की तलाश है, और कई लोग ऐसे हैं जो इस समय लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अस्पताल के बाहर भीड़ देख सकते हैं, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हम भीड़ देख सकते हैं। अजेंद्र शर्मा के पास चलते हैं, अलीगढ़ से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी वहां से इस समय? देखिए, सुबह होते ही लोग अपनों की तलाश में निकल चुके हैं, जानकारी उनके लिए लेना चाहते हैं, हालचाल उनका लेना चाहते हैं। इस समय अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर क्या हालचाल है? कंचन, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं एटा के पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूं। यहां पर 27 के शव लाए गए थे, जिसमें से 21 के शव का पोस्टमार्टम देर रात हो गया था, अब उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। अभी 6 शव बचे हुए हैं, जिनमें से 3 शवों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी पोस्टमार्टम एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाए शवों को ले जाया गया है, लेकिन अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कल का जो मंजर था वो बहुत भयावह मंजर था, जिसमें अब तक 116 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी सूत्रों से जानकारी लगातार मिल रही है कि 50 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चला है, उसमें कोई बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी शामिल हैं। अब देखना हुआ कि यह आंकड़ा मौत का कब तक बढ़ेगा, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि दिन में जैसे जैसे लोग आएंगे, क्यों कल हम यहाँ देख रहे थे, लगातार जो लोग परिजन पहुंच रहे थे वो लगातार रो रहे थे, बिलख रहे थे, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी की बहन चली गई, तमाम लोग ऐसे पहुंचे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। एक परिवार ऐसा आया था, छोटे छोटे बच्चे थे, हमने अपने निजी टीम के दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखाया था कि 2 भाई बहन छोटे, जिनकी उम्र 3 से 4 वर्ष थी, और उनकी माँ चली गई, माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे थे, पिता उनका दिल्ली में नौकरी करता, उसकी जो जानकारी मिली थी वो भी यहाँ पहुंचा था। तो आप देख सकते हैं कल का जो मंजर था पूरा भयावह था, पूरा
प्रदेश नहीं पूरा देश में इसकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि जो भी इसमें घटना में लापरवाही कार्रवाई की जाएगी। आज बताया जा रहा है कि हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, देर रात DGP और मुख्य सचिव भी पहुंचे थे। तो आप मैं आपको बता दूं एटा जिले में तमाम लोग ऐसे हैं, अभी कल यहाँ कई लोग आए थे देखने के लिए भी आए थे, बाहर के जिलों में जैसे राजस्थान के लोग भी यहाँ पहुँचे थे, मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचे थे।